कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमारी टीम जिसमें एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, एसडीओपी कुक्षी बिलवाल, थाना प्रभारी टांडा विजय वास्कले और उनकी टीम ने इसमें एक अच्छा काम करते हुए 65,000 का इनामी जिसका नाम सोमला पिता बदन सिंह है, यह बोरी थाना अलीराजपुर का रहने वाला है। इंदौर ग्रामीण में जनवरी में हुई घटना जिसमें एक पुलिस के जवान से राइफल छीनी थी, उस घटना में ये आरोपी फरार था। और उसके अलावा चार अन्य घटनाएं जिसमें सांवेर की दो घटनाएं हैं, एक हथियार लूटने की घटना है और एक घर में घुस के लूट करने की घटना है। उसके अलावा बेटमा की घटना है जिसमें ये आरोपी घर में घुस के लूट करने की घटना में फरार है। हमारी टीम ने अच्छा प्रयास करते हुए इसको पकड़ा है और ये टीम की एक अच्छी सक्सेस है। इस पे आज की डेट में करीब 18 प्रकरण पंजीबद्ध हैं जिसमें ये भानगढ़ जिला द्वारका गुजरात और इंदौर के कुछ प्रकरण में फरार है। जो गुजरात का मामला है थाना भानगढ़ का जिला द्वारका का, उसमें उस चोरी में इन लोगों को एक मर्सिडीज़ मिली थी जिस मर्सिडीज़ को ये लोग लेकर आए थे और उस मर्सिडीज़ का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कई जगह घटनाएं की हैं और वो उस मर्सिडीज़ को ये लावारिस छोड़ के सेक्टर वन धार में छोड़ के चले गए थे और पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और आगे जैसे भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।